एक प्रोफेशनल थिएटर होता है और एक होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर, जहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, थिएटरल एक्सपेरिमेंट्स। और उसी तरह से फिल्मों में भी, जैसे हम लोग देखते हैं कई बार अलग अलग तरह की फिल्में हम लोग देखते हैं, बहुत कमर्शियल फिल्में होती है, कुछ फिल्में होती है जो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल रहती है, जिसको अलग अलग इससे हम लोग पहचानते हैं उन चीज़ों को, जैसे शॉर्ट फिल्म्स है, जैसे कोई कमर्शियल फिल्म है ना। अभी रिसेंटली आप लोगों ने कमर्शियल फिल्में तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी, जैसे अभी रिसेंटली कौन सी फिल्म अभी आप लोगों ने देखी है, कौन सी? तानाजी। यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। फाइन, सो बहुत सारे लोगों ने वो फिल्म देखी है, तानाजी, है ना। तो ये तानाजी फिल्म जो आपने देखी है, उसमें एनिमेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया गया था, है ना। तानाजी को हम लोगों ने, आपने बचपन में भी कहानी सुनी होगी ना तानाजी की, तानाजी क्या था, है ना। वाज अ वॉरियर, वाज फाइटर, फाइटिंग फॉर शिवाजी महाराज एंड एवरीथिंग, है ना, वो आपने सुना होगा। तो ये कहानी हम लोग सुनते थे। जब आप लोग कहानी सुन रहे थे तो आप लोगों ने कभी इस चीज के बारे में सोचा था, विजुलाइज किया था कि इसकी फिल्म कैसे होगी? कभी आपने सोचा था कि कैसे दिखेगा मुझे अगर मैं थिएटर में जाके देखूंगा? जब मुझे बचपन में किसी ने कहानी सुनाई थी तानाजी की, तो जब मैं थिएटर में जाके देखूंगा या देखूंगी तो वो कैसे नजर आएगा? नहीं सोचा होगा किसी ने, लेकिन जब आपने देखी तो आपको कैसा लगा? कैसा लगा आपको? मतलब अच्छा लगा आपको? हो सकता है अच्छा लगा, कोई कहेगा बुरा लगा, ये भी हो सकता है। ऐसे कुछ नहीं है कि सबको अच्छा ही लगेगा, ऐसे अलग अलग फिल्में आती हैं, ये होता है। बट वॉट इज फिल्म मेकिंग? बहुत सिंपल है, आपने वो कहानी सुनी और किसी ने आपको वो कहानी सुनाई और किसी ने आपको वो कहानी दिखाई। सो ओम राउत, हु इज डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म तानाजी, उन्होंने वो कहानी सुनी, उसे विजुलाइज किया और आपको उनके विजुलाइजेशन से उन्होंने वो आपको वो कहानी दिखाई पर्दे पर। सो दैट्स द फिल्म, that's how a film is made, okay? कोई भी फिल्म शुरू होती है, वो शुरू होती है कहानी से शुरू होती है, और कहानी के बाद होती है स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट क्या होती है? आपने सुना भी होगा, कई लोगों ने स्क्रीन प्ले राइटिंग सुना है, सुना होगा आपने स्क्रिप्ट प्ले, डायलॉग्स, है ना। ये हम लोग अक्सर सुनते हैं कि होता क्या है, कोई बता सकेगा मुझे यहाँ पे कि डायलॉग्स का मतलब क्या है? एनीवे, हम लोग, या प्लीज प्लीज रेज योर हैंड्स, कम ऑन प्लीज, व्हाट द कैरेक्टर सेज, या योर गुड नेम, योगेश, ओके करेक्ट, थैंक यू। आप लोग बात कीजिए हमारे साथ ताकि हम लोग इसको जरा ज्यादा अच्छी तरह से कम वक्त में अच्छे से अच्छा समझ में आए हम लोगों को कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, वो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो आप लोग बात कीजिए हमारे साथ, है ना। मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा शामिल हो जाए इन इस कॉन्वर्सेशन में, है ना। तो डायलॉग बिल्कुल सही कहा, इन्होंने कहा कि जो डायलॉग्स, जो कुछ भी बात करेगा कैरेक्टर, उसे हम लोग डायलॉग कहते हैं। अब यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है स्क्रीन प्ले किसे कहते हैं? स्क्रीन प्ले क्या होता है? एनीवन? अगेन प्लीज, एनीवन रेज योर हैंड, वाओ, अगेन प्लीज प्लीज प्लीज, व्हाट द सीनरी इज टेकिंग प्लेस, द सीनरी टेकिंग बिहाइंड द करेक्ट सीन, करेक्ट। आप कुछ कर रहे हो क्या फिल्म मेकिंग में? कैसे पढ़ा है? कुछ करते हो इसमें? नहीं, टिकटॉक वीडियो हो सकता है, बिल्कुल आपको बना देना टिकटॉक, कौन तो बना था टिकटॉक, प्लीज रेज योर हैंड वंस अगेन प्लीज। अरे कोई दूसरे का नाम नहीं, ये बनाता है, मैं नहीं बनाता, ये बनाता कौन है जल्दी? अरे खुद होके बताओ यार, किसके फॉलोअर्स ज्यादा है टिकटॉक पे? ओ सो वी हैव अ टिकटॉक स्टार हियर, कम ऑन, नाइस, सिचुएशन होती है टिकटॉक पे।
कैसा है? तो गाइस कम ऑन नाउ, वेरी नाइस, टिकटॉक स्टार इज देयर विद अस. कितने फॉलोअर्स हैं? कौन है पहले नाम तो बताओ यार. कौन आपको पता है उसके ज्यादा फॉलोअर्स, इसका मतलब आप फॉलो करते हैं, इसीलिए आपको पता है. यस डेफिनेटली. तो आप सब लोग देखते हो, आप सब लोग करते भी हो, लेकिन टिकटॉक पे तानाजी नहीं बन सकते उस तरह से, हम लोग को फिल्में नहीं बना सकते. उसके लिए जरूरत है टेक्निकली उस चीज को समझने कि वो क्या है, फिल्म अक्सर होती क्या है, फिल्म बनती कैसे. वरना तो कोई भी कुछ भी कर लेगा, और वो तो हम देख ही रहे हैं आजकल की हो रहा है सब. इट इज नॉट बैड बट इट इज नॉट दैट गुड इवन. ओके, सो शॉर्ट फिल्म क्या होती है? शॉर्ट फिल्म क्या होती है? कोई बता सके ना शॉर्ट फिल्म क्या होती है? आपको पता है? प्लीज कन्वेज द एग्जैक्ट, कन्वे द मैसेज टू ऑडियंस. ये बिल्कुल सही जवाब आपका. मैसेज, मैसेज का पहुंचना बहुत जरूरी होता है. अगर मैं आपको कोई फिल्म दिखाऊं जो आपको समझना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या दिखाना था सामने वाले को. आपको देखना अच्छा लगेगा ऐसा कुछ, आप कहोगे कि यार क्या दिखा है ना. लेकिन वही अगर मैं आपको कुछ ऐसी फिल्म दिखाऊं जिसमें से आपको कोई मैसेज मिले, तो शायद आप लोगों को अच्छे लगे शायद. तो एक बार हम लोग देखते हैं, हमारे पास यहाँ कुछ शॉर्ट फिल्म हम लोगों ने लाई है, शायद आपने देखी भी हो. तो हम लोग एक बार देखते हैं जरा कि शॉर्ट फिल्म क्या होती है. दरअसल 40 मिनट्स, 40 मिनट से कम वक्त या 40 मिनट तक के ड्यूरेशन में जो फिल्में बनाई जाती है उसे शॉर्ट फिल्म कहते हैं. ओके, 40 मिनट्स. उसके बाद में जो कुछ भी होता है कमर्शियल मूवी. सो लेट्स हैव अ लुक, एक शॉर्ट फिल्म हम लोग देखते हैं. देखिए आप लोगों ने किसने लिखी थी?
मैसेज था इस शॉर्ट फिल्म में? प्लीज पहला आपका नाम बताओ। Sir, in this film, the message was that if you help others, help will come to you. तो जो कोई भी मेकर है, उसे जो बताना, उसने कोई कहानी के जरिए आपको बताया, हाँ? उसने ये नहीं कहा कि अगर आप किसी की मदद करोगे तो कोई वरना वो तो लिख के भी यहाँ पे बता सकता है कोई भी कहानी में, लेकिन उसने विजुअल्स में आपको वो बताया, है ना? इसी को कहते हैं फिल्म या फिर शॉर्ट। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ये एनिमेटेड ही होना चाहिए, आप इसको जैसे मोशन पिक्चर हम लोग जिसे कहते हैं लाइव एक्शन में भी बना सकते हो, आप किसी कैरेक्टर्स को साथ में लेके हो, कैरेक्टर्स अगर कुछ डायलॉग्स आप उनको देते हो तो वो कैरेक्टर्स वो डायलॉग कहेंगे, या फिर आप स्क्रीन प्ले जैसे, यू नो वेरी वेल योगेश, सो